खबर है विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र दरभंगा से, जहां बेला पेट्रोल पंप के पास से संदिग्ध हालत में मिले एक युवक की लाश। लाश को पुलिस ने डीएमसीएच इमरजेंसी लेकर आई, जहां डॉक्टरों ने सघन जांच पड़ताल के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उसके पास से वोटर कार्ड, एटीएम कार्ड, कुछ पेपर के अलावा 30 रुपये मिले, जिसके आधार पर छानबीन में जुटी पुलिस। मृतक के पास से मिले वोटर पहचान पत्र के अनुसार मृतक का नाम मोहम्मद अशरफ अली, उम्र 32 वर्ष, पिता का नाम मोहम्मद साबिर अली, एड्रेस संतोषी नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से है। अच्छा, वहाँ से लेकर हम आए हॉस्पिटल इलाज में, देखिए क्या स्थिति होता है। तो उसके लिए आपको कोई सूचना दिया था या आपने गश्ती में निकले थे या सड़क पे मिला ऐसा? थोड़ा सा वहाँ पे पब्लिक देख के हम गए तो पता चला कि ये कोई बेहोशी हालत है। कौन सा हॉस्पिटल सर? डीएमसी अस्पताल क्षेत्र जी सर। तो यहाँ डॉक्टर ने इसको इलाज कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी इलाज चल रहा है। आप कौन से थाना से, यहाँ क्या नाम हुआ आपका सर? विश्वविद्यालय थाना है, अलग नगर तिवारी से। पुलिस के मुताबिक गश्ती के दौरान बेला पेट्रोल पंप के पास से गुजर रहे थे तो लोगों की भीड़ देखकर वहां रुक गए और लोगों ने बताया कि यहां एक आदमी लेटा हुआ है। पुलिस ने सिपाहियों की मदद से आदमी को अपनी गाड़ी पर रख कर डीएमसीएच इमरजेंसी लेकर पहुंची। डॉक्टर द्वारा सघन जांच पड़ताल करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके शरीर पर किसी भी तरह के जख्म का निशान नहीं है, इसलिए पुलिस को अभी तक उसकी मौत का कारण पता नहीं चल पाया है। उसके पास से बरामद वोटर कार्ड, एटीएम कार्ड, कुछ पेपर के अलावा 30 रुपये के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।